सभी देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आप सबका मेरी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। राजमा जो है वो मैं बनाऊंगा कुछ बढ़िया से पंजाबी स्टाइल में, और ये जो राजमा है इसे बनाने के लिए थोड़ा सा तेल ये ले लेते हैं, और फिर इसके अंदर ज़रा प्याज को पकाएंगे। तो ये मेरे पास बारीक कटे हुए प्याज, और ये इसमें हम पका लेते हैं। अच्छा, राजमा मैंने पहले से बॉयल किए हुए हैं, पकाए हुए हैं, तो आप एक काम करें, राजमा पकाने के लिए ये देखिए, ये मेरे पास जो राजमा है, भाई लोग कहते हैं कि जम्मू से अगर कोई आ रहा हो, हिमाचल प्रदेश से कोई आ रहा हो, तो वहाँ के जो राजमा है वो एकदम बढ़िया। आपने देखा होगा राजमा जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक थोड़े से जैसे चितकबरे बोलते हैं ना वैसे, या कुछ ऐसे लाल। इसको रात भर पानी के अंदर भिगो के रखें, और फिर आप इसमें पानी डाल के, नमक डाल के इसको प्रेशर कुक कर लें। जी हाँ, पूरी तरह से जो राजमा है वो गल जाने चाहिए। नमक डाल के इसे पकाएं, हाँ रात भर भिगो के रखेंगे तो बढ़िया ये पकेंगे। तो ये जो राजमा हैं ये देखिए, ये मैंने पका के रखे हुए हैं, और ये पूरी तरह से गल जाने चाहिए ये राजमा। ये देखिए इस तरह से ये राजमा पूरी तरह से गले हुए होने चाहिए, और फिर इसको हम फिनिश करेंगे। पके हुए जो राजमा हैं, तेल लिया, इसके साथ साथ इसमें ये प्याज, और ये जो है इसमें मैं एक टिप आपको दे देता हूँ, वो ये कि इसमें ज़रा टमाटर जो हैं वो थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, और इसको मैं पकाता हूँ टोमेटो प्यूरी के साथ में। तो टोमेटो प्यूरी जो है, जो बाज़ार में बनी हुई टोमेटो प्यूरी होती है ना, वो एकदम बढ़िया रंग भी होता है लाल, और उसके साथ साथ उसमें टेस्ट भी बढ़िया होता है। अब जब फ्रेश टोमेटो के साथ बनाते हैं तो उसमें टमाटर को पकाने में ही समय काफ़ी लग जाता है, तो इसलिए आप वो समय प्याज को ब्राउन करने में लगाएं, और टमाटर जो है वो पहले से जो लाल हैं वो ही ले लें, मतलब जो टोमेटो प्यूरी है उसका इस्तेमाल करें। टोमेटो पेस्ट से भी बना सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसके अंदर हल्दी डालते हैं, कुछ लोग हल्दी के बिना इसको बनाते हैं, तो मैं इसको बिना हल्दी के बनाऊँगा। हाँ, अगर आप हरी मिर्च इसमें डालना चाहते हैं तो हरी मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। वैसे जो राजमा है वो बढ़िया लाल होने चाहिए, तो इसलिए लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर होना चाहिए। हरी मिर्च का अपना स्वाद होता है, वैसे भी आप डाल सकते हैं। खैर, ये जो है अब इसके अंदर ज़रा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा इसमें, ये रेस्टोरेंट स्टाइल इसको बनाने के लिए इसमें ये, खैर ये बढ़िया से लाल प्याज, और उसके साथ साथ इसमें अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, तो ये गार्लिक थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर, अच्छा ये गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज अदरक लहसुन, और फिर इसमें ये मेरे पास धनिया पाउडर, और उसके साथ साथ जीरा पाउडर ये ले लिया, और लाल मिर्च पाउडर ये देखिए, ये मसाला इसके अंदर जाते ही ये आप देखिए, ये पंजाबी स्टाइल राजमा अब लग रहे हैं कि कुछ हाँ मज़ेदार बनेंगे। और फिर इसमें टमाटर, टमाटो प्यूरे ये इसके अंदर, टमाटो प्यूरे ये बाज़ार का बना हुआ है, तो इसलिए कितनी जल्दी ये पक गया है पहले से ही पका हुआ है। टमाटोज जो हैं उसमें एक चीज़ होती है लाइकोपीन, जिसकी वजह से वो आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर भी माना जाता है, तो इसलिए आजकल टमाटर के जो भाव हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। भाई काफ़ी जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना उनको भी पता चल जाता है कि उनकी कितनी वैल्यू है। वैसे लाइकोपीन के कैप्सूल भी मिला करते हैं, लेकिन जो चीज़ इतनी अबंडेंस में हो तो उसके आप कैप्सूल क्यों खाएँगे। ये अच्छी तरह से मसाला घोल लिया, और फिर ये जो पके हुए राजमा ये इसके अंदर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
ये देखिए, जरा इसे मिक्स कर लिया और अब इसमें ये मेरे पास जो पानी है इसका ये बचा हुआ, ये भी इसके अंदर। नमक अगर कम हो तो नमक इसमें ये लीजिए, नमक डाल दिया और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है और अब आपको समझ आ गया होगा कि इसमें ये जो अगर कंसिस्टेंसी गाढ़ी करनी है तो उसके लिए जो मसाला है वो गाढ़ा होना चाहिए, राजमा जो है पूरी तरह से पके होने चाहिए और ये एक सार हो जाए। इसके लिए एक और चीज़ आप कर सकते हैं, इसको लेकर थोड़ा सा इस तरह से, ये पुराने ज़माने में जो रवई होती थी मदानी, वो लेकर थोड़ा सा इसको क्रश कर दिया जाता था ताकि ये एक सार हो जाए, पूरा मसाला थोड़ा गाढ़ा हो जाए और उसके बाद ये जो है ये मिक्स किया। ये देखिए इसको चला लेते हैं और अब इसमें गरम मसाला पाउडर, वो भी पंजाबी स्टाइल, होममेड गरम मसाला, एरोमेटिक गरम मसाला पाउडर, और ये डलते ही ये जो राजमा हैं ये तैयार हो गए। और इसको खाने के लिए आप ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालें और ये जब पूरी तरह से एक सार हो जाए फिर आपने इसका मज़ा चखना है। लेकिन भाई चखना तो पहले पड़ेगा ना इसको। थोड़ा सा तीखापन, थोड़ा खट्टापन टमाटर का, लेकिन जो इसमें टेस्ट है राजमा का, वो ऐसा टेस्ट है कि दिल करता है कि आप कभी कहीं रोड से ट्रैवल कर रहे हो तो किसी ढाबे में रुकें, गर्मा गर्म स्टीम्ड राइस, गर्मा गर्म राजमा, फिर इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन घर में तो यही मिलेगा, ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी है, घी तेल कम है, नॉनस्टिक पैन में बनाया हुआ है, लेकिन टेस्ट ऐसा कि रेस्टोरेंट में भी ऐसा नहीं मिलेगा, ना ढाबे में मिलेगा जैसा आपके घर में मिलेगा। राजमा मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए एक कप राजमा रात भर भिगोया हुआ, नमक स्वाद अनुसार, चार बड़े चम्मच तेल, दो मध्यम आकार प्याज बारीक कटा हुआ, दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा कप टोमेटो प्यूरी, डेढ़ छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर। राजमा मसाला बनाने के लिए राजमा को पानी में से निथार कर एक प्रेशर कुकर में डालें, पाँच कप पानी और नमक डालें और ढक कर तब तक प्रेशर कुक करें जब तक 4 से 5 सीटी बज जाए, फिर छान ले और पकाया हुआ पानी भी साथ रखे। एक नॉनस्टिक पैन में तेल डालकर गरम करें, प्याज डालें और सुनहरा होने तक भूनें, अदरक लहसुन पेस्ट डालें और 2 मिनट तक पकाएं। अब डालें हरा धनिया, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और उसे अच्छी तरह मिला लें, टोमेटो प्यूरी डालकर मिला लें और 3 से 4 मिनट तक भून लें। अब डालें राजमा और उसे मिला लें, एक कप पकाया हुआ पानी और नमक मिला लें, राजमा को हल्का सा मसल लें और अच्छी तरह मिला लें। अब डालें गरम मसाला पाउडर और मिला लें और 5 से 7 मिनट तक पकाएं। हरे धनिये से सजाकर गर्मा गर्म परोसें।